इससे पहले के वीडियोस में हम पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर श्री भगवान की विविध अनसुनी जानकारियों के बारे में बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर हम श्री भगवान की विभूतियों के बारे में जानेंगे कि जहां पर स्वयं भगवान ने उद्धव जी को अपनी विभूतियों का वर्णन दिया है। दोस्तों, ये वीडियो सच में काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 16वां अध्याय, जहां पर उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री भगवान अपनी विभूतियों के बारे में स्वयं बताते हैं। श्री भगवान उद्धव जी को कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि मैं रत्नों में पद्मराग, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, तितिक्षुओं की तितिक्षा और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण हूँ। मैं बलवानों में उत्साह, पराक्रम और भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों के पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली और श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में एकमात्र गुण शब्द मैं हूँ। हे उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, समस्त प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबकी आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। मित्रों, यहाँ पर अंत में ये जरूर सुनिए कि जब हम भगवान की विभूतियों के बारे में बात करते हैं और उसकी गणना करने बैठते हैं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सच क्या है। तो इसी चीज का खुलासा श्री भगवान स्वयं उद्धव जी के सामने यहाँ पर कर रहे हैं। वे उद्धव जी से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु मैं स्वयं भी अपने विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि हे उद्धव जी, जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती तो उसमें बसने वाली मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से श्री भगवान के द्वारा भागवत महापुराण में हम सबको और उद्धव जी को अपनी विभूतियों के बारे में बताया है। अगर आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल द इन्फो ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।